महिला हैं जो सहायक अभियंता के रूप में काम करती हैं और वो यहाँ लगभग एक साल से रह रही थी। तो पुलिस को सूचना मिली थी कि वो बेहोश अवस्था में है, तो पुलिस यहाँ पर आई तो पाया कि वो मृत अवस्था में पाई गई। प्रायः फिसी अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई घर में लूट के इरादे से आया था या वो करके चला गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन बाकी की चीज़ें तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, वो ही बता पाएगी। तो हम आए तो हम एक लेडीज जो उनके स्टाफ थी या स्टाफ की वाइफ थी वो कही कि ऐसे ऐसे बात है, हम लोग आए हैं तो देखें गेट खुला हुआ है, महिमा को लेटा पड़ा हुआ है। तो फिर हम आए तो देखे तो हम कहे कि भाई प्रशासन का मदद लेना चाहिए। पहले हम 112 पे फ़ोन करके वहाँ सूचना दिए, प्रशासन उसके बाद आए, उसके बाद आगे की कार्रवाई उन्होंने की। नहीं, जिस अवस्था में जिस अवस्था में थी वो हम नहीं देखे। कब से ये रह रही थी? ये 2 साल से। अकेले रहते थे? अकेले भी रहते थे, उनके नाना नानी भी आते थे, उनके क्या कहते हैं पप्पी मामा। रहने वाली कहाँ थी? ये रहने वाली ऐसे तो पटना से उसके नाना नानी ही गाइड करके उनको पढ़ाया लिखाया हुआ, और रहने वाली ये आधार कार्ड पे अब देख लिया जाए। आपके आप मकान मालिक हैं, आपका आधार कार्ड मिला होगा ना? जी जी, मैंने प्रशासन को डिप्यूट कर दिया हूँ। 2 साल से करीबन यहाँ पे जी। किस विभाग में थी कार्यरत? जल संसाधन विभाग में यही थी। फिलहाल यहाँ वो अकेले रहती थी और नहीं, अभी तो अकेले थी, नहीं तो आना जाना तो उनके गार्जियन का लगा हुआ रहा। फ्लैट आपका है? जी जी। कैमरा वगैरह लगाए हुए हैं? जी नहीं, कैमरा नहीं लगाया। नहीं, जब आए तो देखे तो क्या देखे? आए तो बस वही बताई, तो हम कहें कि ठीक है हम अंदर जाना पसंद नहीं करेंगे, हम बस उसके बाद हम प्रशासन को फोन, जब प्रशासन आए तो उनके साथ हम इंटरव्यू। यहाँ कितने दिन से थे? ये 2 साल से। किसी अननोन पर्सन का भी आना जाना था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं। हम आपका नाम? विनोद कुमार। मोबाइल उठा रहे हैं। एक महिला है जो सहायक अभियंता के रूप में काम करती है और वो यहाँ लगभग एक साल से रह रही थी। तो पुलिस को सूचना मिली थी कि वो बेहोश अवस्था में है, तो पुलिस यहाँ पर आई तो पाया कि वो मृत अवस्था में पाई गई है। तो ये हमें सूचना मिली थी। इस अवस्था में सर डेड बॉडी मिला है उनका, कुछ निशान वगैरह पाए गए? वो जांच का विषय है, अभी हम उनका इंक्वेस्ट बना रहे हैं और FSL को भेजा जाएगा, FSL टीम को भी बुलाया जाएगा और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर लिया जाएगा। प्राइमा फिसी अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई घर में लूट के इरादे से आया था या वो करके चला गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन बाकी की चीज़ें तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, वही बता पाएगी। हाँ, फ़ोन वगैरह मिल गया है, परिजनों से बात हुई है, लेकिन आप एक एटलीस्ट उनकी थोड़ा सा प्राइवेसी तो मेंटेन करिए ना, आए तो उनको स्पेस भी दीजिए और थोड़ा खुद दुख से गुजर रहे हैं वो इतना, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। जाँच चल रही है, वो कर लें। ठीक है। दिस न्यूज़ इज़ ब्रॉट यू बाई हिमालयन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल।